अब बड़ी गवाहियां कैसे बनती हैं? जब परमेश्वर अपना वचन देता है, क्या देता है, तो हमने क्या करना, उसे दिल से उस पर विश्वास करने, मन से। यस, खुदावंद आप मेरे कर चुके हैं। हालात चाहे कितना भी बड़े से बड़े क्यों, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों, जब हम उस वर्ड को रिसीव करते हैं और मन से धन्यवाद करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं, यस खुदावंद आप मेरे कर चुके हैं, और उनके साथ वैसे ही होता है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम किरण है और जे चंडे गांव के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही जे जे बता रही कि 6 महीने हो गए थे इनको रात के समय बहुत तेज फीवर हो जाता था, और जे बता रही सुबह जे बिल्कुल अच्छे रहते थे, सिर्फ रात के समय 6 महीने से इनको बुखार रहता था, और प्लस उसके साथ जे बता रही कि जैसे इनको फीवर बहुत तेज हो जाता था, इनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, और जिसके कारण जे काफी परेशान थे 6 महीने से, और जे इसके लिए प्रार्थना भी करते थे। जे बता रहे जब भी जे प्रार्थना में बैठते तो इनकी बॉडी से बहुत गर्म सेक निकलता था, और जे बता रहे कि इस प्रॉब्लम से जे काफी परेशान हो चुके थे, पर जे लगातार ही मीटिंग में आ रहे थे और विश्वास में बने थे कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके। और जे बता रहे कि जैसे इन्होंने 15 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर की मीटिंग को अटेंड किया, जब जे 15 सितंबर की मीटिंग में आए थे और उस दिन प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया था कि जो लोग 3 हफ्ते इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, परमेश्वर उनकी हर प्रॉब्लम से उन्हें फ्री करेंगे। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। से जीवित रहेगा। अगर आप अपनी आशीष चाहते हो, इस कार्य को चाहते हो, हम लगातार इसी विषय के ऊपर कि बाइबल के चिन्ह चमत्कार हमारे विश्वास पर आधारित हैं। बोलो क्या है, विश्वास पर आधारित हैं। समझे जे बड़ा सच और पाई दुखों से छुटकारा। अगर आप अपनी डिलीवरेंस छुटकारा चाहते हो, आशीष चाहते हो, तो ये तीन हफ्ते लगातार, ये वीरवार संडे, ये एक हफ्ता निकल गया, एक वीरवार और ये संडे, ये 3 हफ्ते लगातार हम ये टॉपिक, ये विषय चलेगा। अब तुम चाहते हो तो फिर बन। जैसे इन्होंने 15 सितंबर की इस मीटिंग में इस वर्ड को रिसीव किया, और इन्होंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, 15 सितंबर से लेकर लास्ट इन्होंने 6 अक्टूबर तक ये सभी मीटिंग को अटेंड किया, और जे बता रहे जैसे जे विश्वास में बने रहे, हर एक मीटिंग को अटेंड करते थे, और जो इनकी 6 महीने की जो प्रॉब्लम थी, इनको बहुत तेज फीवर रहता था, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, और प्रार्थना में प्रॉब्लम आ रही थी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्म सेक निकलता था, और इसके लिए इन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं थी, पर जैसे इस वर्ड को रिसीव किया, और आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। और इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास को और परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। सुनो, अब जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी बड़ी गवाहियां बनाए, क्या बनाए, बड़ी गवाहियां बनाए। अब बड़ी गवाहियां कैसे बनती हैं? जब परमेश्वर अपना वचन देता है, क्या देता है, तो हमने क्या करना है, उसे दिल से उस पर विश्वास करना है, मन से। यस, खुदावंद आप मेरे लिए कर चुके हो। हालात चाहे कितना भी बड़े से बड़े क्यों नहीं, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, जब हम उस वर्ड को रिसीव करते हैं और मुंह से धन्यवाद करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं कि यस खुदावंद आप मेरे लिए कर चुके हो, और उनके साथ वैसे ही हो गया। क्या हो गया, क्योंकि पिछले दिनों में खुदावंद ने, जब मैं ये पहली मीटिंग वीरवार कितनी तारीख को थी, 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर नहीं, ये जो क्लिप दिखाया शायद ये 15 सितंबर का और... नहीं, ये 15 का नहीं है, ये 15 वीरवार हो गया, ये 16, 17, 18 संडे का, 18 तारीख का है ये क्लिप, 18 का है। और सुनो, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि ये 2 हफ्ते
हाँ एक हफ्ता निकल गया और दो हफ्ते अभी और ऐसे ही हम सुनेंगे कि बाइबल के जो चिन्ह चमत्कार हैं हमारी विश्वास पर आधारित है। बोलो क्या हमारे विश्वास पर आधारित है। इन सब मीटिंग्स को लगातार क्या करना, अटेंड करना। हाँ और ये उन मीटिंग में बने रहे, सब मीटिंग को अटेंड किया। क्या किया? सब मीटिंग को अटेंड किया। क्योंकि जब मैं ये खुदावंद ने ये वर्ड जब मुझे दिया कि बाइबल के चिन्ह चमत्कार हमारे विश्वास पर आधारित हैं, जब हमने पहली मीटिंग 15 सितंबर को की तो सबसे पहले हम उसका भी क्लिप देखते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था? हाँ दिखाओ उसका भी क्लिप। आपका फेथ बढ़ेगा। जिनके काम रुके हुए ना, आज के वचन को दोबारा सुनना। इस वचन को हम नेक्स्ट आगे लेकर चलेंगे, संडे भी सुनेंगे, और ताकि जो चीज हम चाहते हैं खुदा से, परमेश्वर से, उसको पूरा करें। ओके तो बने रहना परमेश्वर के साथ। तो जब ये मीटिंग का पहला पार्ट था 15 सितंबर को वीरवार की मीटिंग, तो उस दिन मैंने कहा था कि इस वचन को हम आगे लेकर चलेंगे, ये सेम बात, ये सेम विषय कि बाइबल के जो चिन्ह चमत्कार हैं हमारे विश्वास पर आधारित हैं, समझे बड़ा सच और पाए सब दुखों से छुटकारा। तो मैंने कहा हम इस वचन को संडे भी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? अब अभी आपने, जब मैं संडे आया तो संडे ये अभी जो अपने क्लिप में सुना कि जितने लोग इसको विश्वास से, ये एक हफ्ता निकल गया और दो हफ्ते और हैं, जितने लोग विश्वास से इन मीटिंग्स को अटेंड करेंगे वो अपने जीवन में बड़ा छुटकारा और बड़ी आशीषों को देखेंगे। क्या देखेंगे? और उन मीटिंग में देखो, छोटी सी बात नहीं है, 6 महीने से रोज रात को बुखार हो जाता था। क्या हो जाता था? और जब भी ये प्रार्थना में अगर बैठते तो फिर सेक निकलना लगता था, अंदर से बॉडी से सेक निकलने लगता था, और बार बार उसकी वजह से इन्हें वॉशरूम जाना पड़ता था। बोले क्या जाना? बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। पर उन दिनों की जो मीटिंग खुदावंद ने दी आपके डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, 3 हफ्ते की इन्होंने लगातार अटेंड की। क्या की? इसीलिए जब भी परमेश्वर अपना वचन देता है तो बाइबल में लिखा वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आता। बोलो क्या? व्यर्थ ठहर कर मेरे पास। हमने बहुत सी गवाहियां पहले भी सुनी उन मीटिंग में, जिन लोगों ने, कईयों ने एक की, कईयों ने दो की, कईयों ने तीनों की, तो परमेश्वर भला है। फिर भी हमने उन दिनों में ये 15 सितंबर की मीटिंग से लेकर 6 अक्टूबर तक, हाँ हमने पिछले दिनों में भी बहुत सी गवाहियां सुनी, पर ये लगातार उस चीज के लिए उन्होंने अपने मन में उस चीज को रखा कि परमेश्वर, अब अभी आपको ये फ्री हुए कितना टाइम हो गया है इस चीज से? साजी एक महीना हो गया है, बुखार हूं बिल्कुल नहीं चढ़ रहा। 1 महीना, देखो सुनो, क्योंकि इन्होंने अच्छे से पहले चेक किया, ये वेट कर रहे थे ना। बोलो क्या करें? साजी मैं टेस्ट भी सारे कराया, लीवर का भी कराया, पर फिर भी इनके साथ ये ऐसे हो रहा था। बोलो क्या ने? पर इन्होंने परमेश्वर के वर्ड को, उस वचन को पकड़ा, उन दिनों की जो मीटिंग्स थी डिलीवरेंस की, लगातार वो मीटिंग्स में बने रहे। क्या रहे? लगातार बने रहे, और आज आपके सामने ये बड़ी गवाही के लिए खड़े हैं कि खुदावंद ने पूरी तरह से उस 6 महीने की उस बीमारी, बुखार की बीमारी से, जो रोज रात को ही होता था ना, दिन को नहीं होता, बिल्कुल वधिया। देखो मैं सारा कर लेने, कपड़े भी धोने, सारा कुछ करना, ये देख लो, ये इससे पता चलता है ये किसकी ओर से ऐसे होता है। जैसे मान लो मैं भी अपनी गवाही बताता सिर की, जब सूरज सुबह निकलता था तो जैसे शाम तक उसका तेज,
जैसे हैं मतलब, और जैसे जैसे उसका तेज सूरज का घटता था तो मैंने भी बताई ना, मेरे सिर में जो दर्द रहती थी, रात को नहीं होती, दिन दिन को, जब सूरज निकलता था और शाम तक, बस वैसे ही इनके साथ था, पूरा दिन सही रहते थे और जब शाम होती थी रात और फीवर हो जाता बहुत तेज। अगर प्रार्थना में बैठते हैं तो बॉडी से सेक निकलने लगता था और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। पर उन दिनों में इन्होंने जो मेहनत की, उस डिलीवरेंस के वचन को लिया 3 हफ्ते में, आज आपके सामने है, ये पूरी तरह फ्री है। अब तो नहीं होता क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, समझ आ रही है। पर जिसको तकलीफ है वो क्या करे बंदा, पर वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जोर से, ये छोटी गवाही नहीं है, दोनों हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो, जोर से दिल से। थम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, थम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, थम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा।